अब हम वो जो डीप जंगल का रास्ता है, ये जो आप देख रहे हैं जिसको हम पीछे छोड़ आए हैं, और इसके बाद में अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो प्लेन फील्ड का रास्ता, जिस रास्ते से अब हम गुजरेंगे। और ये वो रास्ता जहाँ पर आपको फसल, खड़ी हुई फसल, ये सरसों की फसल आप देख रहे हैं, ये फसल जो है अभी कटने की तैयारी में है। जैसे आपको पता है कि होली का जो समय होता है वो हार्वेस्टिंग का समय होता है, और ये फसलों की कटाई अब शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं हमारे जो साथी सदस्य हैं वो उस रास्ते से, हमारे चाचा जी उस रास्ते से मैदान में अब प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो जंगल वाला रास्ता जो अब हमने अभी पार किया है, इस रास्ते को हम अब छोड़ रहे हैं। कहने का मतलब एक सम्मिश्रण है हर प्रकार के एक्सपीरियंस का जो है। दूर एक गांव आपको नज़र आ रहा है, ये गुजर कम्युनिटी के गांव है, यहाँ पर जो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाकर और रह रहे हैं। और आजकल तो सारी सुविधा गांवों में कर दी है। तो ये हम अब खेतों से अब गुजरेंगे, ये खेतों से हम निकल रहे हैं, और ये आराम से आराम। हाँ, अब ये क्या, फसलों की कटाई हो चुकी है तो इसलिए रास्ता जो है वो खुल गया है, अदरवाइज पहले घूम के हमें जो है ये रास्ता तय करना पड़ता था। और खेतों में लग रहे हैं किसान काम करने। ऐसा मन करता है बस यहीं पर बस जाएं। आप देख रहे हैं किसान अपनी फसल काट के और उसे इकट्ठी कर रहा है, ये यहाँ पर लगे हुए हैं। ये रात कहाँ पर लग गया है वो? और ये हम खेतों के बीच से, ये सरसों की फसल, उसके बीच से हम निकल रहे हैं। पूरे रास्ते में कहीं भी बोर होने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन शर्त बस एक ही है कि आपको प्रकृति से लगाव होना चाहिए। जो हर किसी की नेचर में नहीं होता, नेचर से लगाव हर किसी की नेचर में नहीं होता। ये आश्रय स्थल बना हुआ है, गांव में हर चीज सोच समझ के बनाई होती है। सबसे पहले अतिथियों का ध्यान रखा जाता है, कोई राहगीर जल रहा है, थक रहा है तो रास्ते में उसे रेस्ट करना है, ठहरना है, तो उसके लिए इस तरह के रो बना देते हैं। गांव के बीच से हम गुजरेंगे, ये गांव है जहाँ पर लोग बड़े आदर सत्कार से आपको अभिवादन करते हैं, आपसे मनोहार करते हैं कि आप रुकें दो पल। हाँ देखो इधर संभाल के, संभाल के आओ भाई, इधर ये संभाल के आओ, गड्ढा है इधर, ये देखो इधर से आ जाओ, उधर है क्या, आ जा कुटिया, उधर है क्या, अब तो निकल ले आओ, इधर से आ जाओ। ये आप देख रहे हैं एक गांव है जिसके बीच में हम गुजर रहे हैं। आजकल गांव में सारी सुविधाएं कर दी गई है, स्कूल है, प्राइमरी अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा का वो सारी सुविधाएं हैं, बिजली पानी की पूरी सुविधा। और जैसा कि मेरे चाचा जी ने मुझे बताया है कि
शहर में तो फिर भी बिजली कटौती होती है, लेकिन गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। मेरे सामने ही ग्रीन बीटर बैठी हुई है। मैं एक्चुअली इस मोबाइल के ज़रिए उनको वॉच करना मुश्किल है। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप अगर अपडेट चाहते हैं मेरी प्रकृति के इस तरह के वीडियोज का लाइव रूबरू होना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल बात अपने देश की से जुड़े, मेरी फेसबुक आईडी से जुड़े। मेरी फेसबुक आईडी है mukesh.garg3 और मेरा चैनल है बात अपने देश की। ये यूट्यूब चैनल है। ये जो वीडियो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, उन वीडियोस को मैं अपने चैनल पर भी अपलोड करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी जो प्रकृति प्रेमी है, वन्यजीव प्रेमी है, पक्षी प्रेमी है, वो मेरे साथ जुड़ें और आप भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और मैं तो अपने एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा ही। नहीं रुको, अब भी निकाल दो, भगा दो, हट हट, रुको तो मैं तेरे गले मारे और हट हट। तो ये है भैया जी, भैया जी, भैया जी, ये रुको, ये रुको, भैया भैया भैया, जान दो यार, मतलब ये उल्टे फेकर जाएगा। कितने को रास्ता, तो रास्ता पर चलिए बता लेता हूँ दोस्तों। आप जरूर मेरे फेसबुक पर मेरे लाइव वीडियो को शेयर करें, जो और भी इन वीडियोज का आनंद ले सकें, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं नाजिम वाले तालाब के बारे में भी अपडेट आप सभी को देता रहता हूं, और वहां पर बर्ड वॉक का आयोजन भी हम करते हैं। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहें तो हर रविवार को वहां बर्ड वॉक का आयोजन मैं कोशिश करता हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और प्लेस हैं जो गंगापुर शहर के पास मैं रेगुलर मैं जाता रहता हूं, जिसमें धुंधेश्वर एक प्लेस है, धुंधेश्वर, जहां पर फॉरेस्ट और जो हिली एरिया है उस एरिया में भी मैं और विजिट करता हूं। इसके अलावा भड्डा गावड़ी के तालाब पर भी मैं जाता रहता हूं। इसके अलावा शारोली, शारोली में जो भैरव धाम का मंदिर है, उस भैरव धाम के मंदिर के पास भी जो पौंड है, वो पौंड में जो है वो, उस पर भी मैं रेगुलर विजिट करता हूँ। तो ये है दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू।